अस्सलाम वालेकुम जी, आपको लर्निंग विद अहमद सलान में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर आना है मेरे चैनल पर यानी लर्निंग विद अहमद सलान। तो जब आप लोग वीडियो भी चला रहे होंगे तब भी आपको नीचे यानी ये सब कुछ मिल जाएगा मेरे चैनल का ये सर कुछ। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब आना है लर्निंग विद अहमद सलान पर, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, उसके साथ बेल आइकॉन आपको नज़र आएगा यानी सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर, फिर उसके बाद बेल आइकॉन को भी आप लोगों ने ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको मेरे चैनल का हर नोटिफिकेशन यानी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम के मुताबिक। यानी जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो लिहाजा अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वो ये है कि माई टेलनोर ऐप से यानी क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से फ्री MBs को हासिल करना। तो अब हम माई टेलनोर ऐप की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने जब माई टेलनोर ऐप को ओपन कर लेना, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट यूअर स्किल्स पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को फ्री MBs मिलेंगी। तो क्या है कि व्हाट द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पहला सवाल यानी व्हाट द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका पर स्क्वायर माइल्स, यानी तो इसका जवाब आ जाता है यानी चार ऑप्शन है। एक आ जाता है 10.5 माइल, दूसरा है 9.5 माइल, तीसरा है 9.1 माइल और चौथा है 8 माइल। तो यानी व्हाट द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है। तो जिस तरह यानी पाकिस्तान का टोटल एरिया क्या है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का पूछा, शुमाली अमेरिका का। यानी हम लोगों ने क्या जवाब देना है इसका, 10.5 या 9.5 है या 9.1 है या 8 है। तो इसका जवाब जो है वो 9.5 माइल आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट करते हैं, ये देखें करेक्ट जवाब है हमारा। उसके बाद वो कह रहा है, हाँ एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के इन पांच में से कोई भी एक गलत हो गया तो वो आपको MBs नहीं मिलेगी। तो लिहाजा इसलिए मैं अपलोड कर देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने भी जब सॉल्व करने हैं तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और आप लोगों ने भी मेरी तरह जिस तरह मैंने ये जवाब देने हैं अभी, उसी तरह आप लोगों ने भी जवाब देने हैं। तो लिहाजा आप लोगों को भी फ्री MBs मिल जाया करेगी, कम अज़ कम 50 MB लाजमी मिलती है। तो ज़्यादा बाजूकात कभी कभी ऑफ़र दे देते हैं। तो लिहाजा आप लोग क्या हैं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने इसको लाइक भी कर देना है, और इसको के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आप लोगों को मज़ीद रहनमाई हासिल होती रहे। तो लिहाजा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेम द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, टोरंटो, ओंटारियो। तो कौन सा सिटी आ जाता है नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट, तो इसका जवाब आएगा मैक्सिको सिटी। तो ये पहला ऑप्शन ही ठीक आएगा, नेक्स्ट करेक्ट है ये, ठीक है ना, करेक्ट आंसर है हमारा। नेम द समालेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, समालेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के समालेस्ट कंट्री। तो इसका यानी सेंट काइट्स, हॉन्ड्रस, पनामा, क्रिंडस। तो कौन सा ठीक आएगा, सेंट किट्स, मेरे ख्याल में तो यही है। तो देखते हैं, जी हाँ करेक्ट आंसर। तो उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन नॉर्थ अमेरिका, यानी कौन सी मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है जो कि स्पोक की जाती है इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। तो इंग्लिश है, स्पेनिश, फ्रेंच, डच। ये तो आप लोगों को भी शायद पता होगा, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश।
तो नॉर्थ अमेरिका यानी उसमें इंग्लिश ही बोली जाती कॉमन, तो करेक्ट। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोगों से फिर मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका जवाब आ जाएगा, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो चार सौ पचानवे मिलियन, 400 मिलियन, 563 मिलियन, 65 मिलियन, यानी 300 मिलियन। कौन सा जवाब तकरीबन ठीक होगा? तो 495, 400 मिलियन, या 565, या 300 मिलियन? तो 565 मिलियन। तो ये हमें, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस करेक्टली, कम बैक अगेन टुमारो एंड विन फ्री रिवॉर्ड्स एवरी डे। तो ये हमें 50 MB मिल गई है। आप लोगों को मज़ीद तसल्ली के तौर पर आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि वाकई ये MBs मिले हैं या नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर यानी चेक करने के लिए क्लिक करना है इंटरनेट पर। ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को ये इंटरनेट शो हो रहा होगा। ये 31 मई 2020 यानी 50 MB मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये आज जो मैंने विन किए हैं। इसके साथ साथ आपको एक नई ऑफ़र के बारे में बताता हूँ, जो कि वो नई है, वो आप लोगों को भी शायद पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है, जिस तरह हमने वो टेस्ट यू स्किल्स किया, इसी तरह फ्री MBs यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी डेली बेसिस पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखें, डे वन मुझे 10 MBs मिले, डे टू नहीं, हाँ पूरा हफ्ता मिलते रहते हैं, डे थ्री, डे फोर यानी डे फाइव, डे सिक्स, और आज मुझे 100 MBs मिलेंगे। यानी इसी तरह ये भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लेम करूँगा, ये देखें, टुडे रिवार्ड्स 100 MBs इंटरनेट, ये मुझे मिल गए हैं। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि वाकई मिले हैं या नहीं। यहाँ पर हम आएंगे फिर इंटरनेट पर, यहाँ पर देखें आप लोग भी, ये देखें 31 मई के यानी 100/100 MBs मुझे मिल चुके हैं। तो अगर इसके साथ साथ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों ने लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो इसके साथ साथ अल्लाह हाफिज़।